Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 3. And today we continue chapter 5, human body health and hygiene. And today we discuss part 3. Now see in the book. This is your science book, science of class 3. Now open chapter number 5. Here, this is the chapter number 5, human body health and hygiene. Part 1 and part 2 we have already done, and today we discuss part 3 from the respiratory system. See, this is the picture of respiratory system. The organs of the respiratory system help us breathe in fresh air and supply oxygen to all parts of the body through the blood. तो respiratory system में जितने जो organs हैं जो हमारी respiration में help करते हैं वो fresh air से हमें breathe करने में help करते हैं, और fresh air में जो oxygen होती है उस oxygen को blood के through हमारी body के हर parts तक पहुँचाने का काम करती हैं. The organs that help us in breathing are nose, windpipe and lungs. तो बच्चों, respiratory system में जो organs हमारी breathing में help करते हैं वो organs कौन कौन से हैं? वो हैं nose, windpipe and lungs. तो हम जब breathe करते हैं तो nose से हम air अंदर लेते हैं, फिर air इस windpipe से होती हुई इन हमारे lungs में जाती है. ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं. नाउ गुड ब्रीदिंग हैबिट्स. ब्रीदिंग की कुछ गुड हैबिट्स होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. तो हैबिट कौन कौन सी हैं, चलिए हम शुरू करते हैं. फर्स्ट इज ऑलवेज ब्रीद थ्रू योर नोज. हमें हमेशा अपनी नोज से ब्रीद करनी चाहिए, यानी कि नोज से सांस लेनी चाहिए. Do not wear tight fitting clothes. हमें बहुत ज़्यादा tight clothes नहीं पहनने चाहिए. They do not allow you to breathe freely. अगर हम बहुत ज़्यादा tight clothes पहनते हैं तो वह हमें breathe करने में मतलब problem करेंगे, हम ढंग से सांस free होकर नहीं ले पाएंगे. And do not cover your face while sleeping. और जब आप सोते हैं उस समय हमें अपना face कवर नहीं करना चाहिए. इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर टू बी टेकन इन. अगर हम अपना फेस कवर करके सोएंगे तो हमें फ्रेश एयर कम मिल पाएगी, तो हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाएगी. नेक्स्ट ऑलवेज कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन टू लेट इन द फ्रेश एयर. रूम के अंदर फ्रेश एयर अंदर आने के लिए हमें अपने रूम के डोर्स और विंडोज ओपन रखने चाहिए, यानी खुले रखने चाहिए, जिससे कि बाहर की जो फ्रेश एयर है वो हमारे रूम के अंदर आ सके. नाउ नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. इट इज कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, वो हैं हमारे हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. द ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री काइंड्स. और जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में वो थ्री टाइप्स की होती हैं, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. The arteries carry the fresh blood containing oxygen to major parts of body. जो arteries होती हैं वो oxygen मिला हुआ जो fresh blood होता है उसे वो body के different parts तक पहुँचाती हैं. The capillaries distribute the blood to every part of the body. और जो capillaries होती हैं वो उस blood को
बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। द वेंस ब्रिंग बैक द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड थ्रू द हार्ट। और जो वेंस होती हैं वो वेस्ट ब्लड जो होता है उसे फिर से हार्ट तक लाने का काम करती हैं। द हार्ट कंटिन्यूसली पंप ब्लड कंटेनिंग फूड एंड ऑक्सीजन। हमारा हार्ट लगातार पंप करता रहता है ब्लड को जिसमें फूड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। एंड ब्रिंग बैक वेस्ट प्रोड्यूस इन दी बॉडी। और उस ब्लड में से जो वेस्ट होते हैं उन्हें निकाल कर वो बॉडी में भेज देता है। नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम। दिस इज द पिक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। हाउ डज योर बॉडी नो वॉट टू डू। हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि हमें क्या करना है। मान लीजिए सामने हम जा रहे हैं रास्ते पर और सामने एक गड्ढा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सामने गड्ढा है और हमें उसे बचना है, तो कैसे पता चलता है हमें। देखिए ये सभी कौन करता है, हमें मैसेज कौन देता है, हमारा ब्रेन। और ये किस में होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में। अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन कॉल्ड द ब्रेन। हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन। तो हमें जो मैसेज देता है कि हमें इससे बचना है, ये हमें ब्रेन बताता है। एंड टेल इट व्हाट टू डू कि हमें क्या करना है। द ब्रेन हैज मैसेंजर्स कॉल्ड नर्व्स टू सेंड दीज इंस्ट्रक्शंस टू द मसल्स बोन्स एटसेट्रा। ये तो ब्रेन के मैसेंजर्स होते हैं जो हमें मैसेज देते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को कि हमें उसे बचना है, वहाँ से हमें दूर रहना है उससे, नहीं तो हम गिर जाएंगे। नर्व्स मेक अप आवर नर्वस सिस्टम। और जो नर्व्स होती हैं वो मिलकर बनाती हैं नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और नर्व्स, ये मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। वी नो अ थिंग इज हॉट और कोल्ड व्हेन वी टच इट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो हॉट है या कोल्ड है। दिस इज बिकॉज आवर स्किन इज अ सेंस ऑर्गेन। ये हमें क्यों पता चलता है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एक सेंस ऑर्गेन है। बट आवर ब्रेन एंड नर्व्स मेक अस टेक आवर हैंड अवे व्हेन वी टच समथिंग वेरी हॉट और कोल्ड। हमने जब उसको टच किया तो हमें ये महसूस तो हो गया कि ये हॉट है या कोल्ड है, लेकिन वहाँ से हमें अपना हाथ हटाना है। ये हमें कौन मैसेज देता है, हमारा ब्रेन। और ये मैसेज कैसे आता है, नर्व्स के थ्रू। तो ब्रेन हमें नर्व्स के थ्रू मैसेज देता है कि आप अपना हाथ उस हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट से दूर कर लो, हटा लो। तो ये किस में होता है, नर्वस सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रो आउट द वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। इस सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर अलग किया जाता है, इसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। लंग्स। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स स्किन एंड किडनी हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट। ये थ्री ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट होता है उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। देखिए लंग्स, लंग्स हमारी बॉडी से क्या बाहर निकालता है, लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी सांस बाहर निकालते हैं, हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, क्योंकि ये गैस हमारे लिए बेकार है, वेस्ट है। स्किन रिमूव्स वेस्ट इन दी फॉर्म ऑफ स्वेट। और जो हमारी स्किन है वो क्या चीज़ बाहर निकालती है, स्वेट मीन्स पसीना।
हमें गर्मी में बहुत स्वेट निकलता है, तो स्वेट हमारी स्किन से ही तो बाहर निकलता है, तो स्किन हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेट है उसे बाहर निकालने का काम करती है। किडनी रिमूव्स अनवांटेड वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और जो किडनी है वो हमारी बॉडी के अंदर जो अनवांटेड वाटर है यानी कि बिना मतलब का जो वाटर है उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। किस रूप में? यूरिन के रूप में। नाउ नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द लास्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज प्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों यंग वंस को जन्म देना ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, यानी कि एक लिविंग बींग्स बिल्कुल अपने जैसे ही यंग वंस को जन्म देता है, तो इसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ गोज ऑन बिकॉज ऑफ द सिस्टम ओनली। हमारे जो प्लैनेट है अर्थ उसके ऊपर लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, तो ये क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारी अर्थ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी, जितने एनिमल्स हैं उतने ही रहेंगे या जो भी इंसान है वो उतने ही रहेंगे और एक एक करके धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, क्योंकि जब उनकी पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगी तो वो कम होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी अर्थ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो अर्थ जो हमारी लाइफ है उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये एक सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।